आज 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस का अवसर था और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन हर साल ये कार्यक्रम आयोजित करता है। इस वर्ष भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया वेलकम होटल शाहबाद गेट पर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे श्री तनवीर वस्तवी साहब, जो कि पूर्व जिला जनपद न्यायाधीश पूर्व सुल्तानपुर रहे और वर्तमान में आप उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हैं पीलीभीत। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्री संगम कुमार जी रहे, जो कि सीओ हैं पुलिस लाइन रामपुर में। और आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था मनाने का, वो लोगों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना था, जो कि भारतीय संविधान में मानव अधिकार बताए गए हैं, जो दिए गए हैं अधिकार, उनके प्रति जागरूक करना और लोगों को मानवता के प्रति, इंसानियत के प्रति आगे प्रेरित करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। जी, आज समाज में जो लोग समाज सेवी हैं, जो लोगों को तरह तरह से मानवता के काम करते हैं, चाहे ब्लड डोनेट करने का काम करते हैं, चाहे लोगों की मरीज के रूप में लोगों की मदद करते हैं, गरीब लोगों के साथ तरह तरह से जो लोग समाज सेवाएं करते हैं, उन लोगों को लगभग 10 से 15 लोगों को समाज के सम्मानित किया गया। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन हमेशा समय समय पर ये कार्यक्रम आयोजित करता रहता है और जिला प्रशासन के साथ साथ और समाज सेवियों को भी सम्मानित करता है। जहाँ मानवता की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन सदा आगे रहता है। उसमें लोगों से हम अपील करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन गुजारिश करेगा कि मानवता का संदेश पैगाम समाज में देते रहें और मानवता के काम करते रहें। किसी बीच किसी के जाति धर्म मजहब का कोई पहलू आगे ना आए, बल्कि मानवता, जब हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो हम एक महज एक दिखने के लिए बस एक मांस का टुकड़ा है और हड्डियों का ढांचा है। और हम मानव होकर के अगर मानवता नहीं रख पाते अपने सीने में, तो फिर हम बेकार हैं। हमारा मानव होने का कोई उद्देश्य नहीं होता।